में भाई रहा मोटरसाइकिल कभी भाई रहे भाई क्या कर कहीं मालूम तो। हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? हम भी ठीक है। रिमझिम सी बारिश हो रही है ये देखिए, और आज अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। हमें निकलना है यहाँ से, मीन्स ससुराल से, तो बस उसी की तैयारी चल रही है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हम जाने वाले थे गाड़ी से, लेकिन पानी आ रहा था तो फिर गोलू भैया आए थे, तो बस उन्हीं की कार में बैठ कर चले जाएंगे, क्योंकि पानी आ रहा है तो पता नहीं बंद होगा, शायद नहीं होगा इसी वजह से। और यहाँ भाई साहब ने उठा रखा है चेरी को, क्योंकि वो तो चेरी का मतलब चेरी सबका फेवरेट ही है यहाँ, तो उसको कोई छोड़ने को मंजूर नहीं होता है। और बस यहाँ सबको दे देते हैं धोख, मीन्स आशीर्वाद ले लेते हैं सबका और चलते हैं। और ये है मेरे दीदी। सबसे मैं सोच रही थी कि सबसे मिलवाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं अच्छे से मतलब मोबाइल के सामने इनसे बात कर पाऊं, आपसे कुछ बात करा पाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगली बार कि कब मिले हम फैमिली और फिर कब मैं आपसे सबसे मिलवाऊं। कोई नहीं, अभी तो यहाँ निकलते हैं, देखते हैं अब कब क्या हो। हम जा रहे अपने घर, याद करेगा मन अपने घर। गोलू इधर देखो, हाय हाय कर दो। हाय हाय गोलू भैया, हाय गोलू भैया, मार गए ना कालू पकड़ के। हाय करो, मैं लगी जा कर डंड पकड़ना पड़ेगा ना। लो हां ये डंड, हाय करो अबे, ये हाय करो नहीं करो। तो अब हम निकल चुके हैं यहां से, पानी रिमझिम रिमझिम आ ही रहा है, देखते हैं अब कितने बजे तक पहुंचे हैं। ये पर नहीं रहा है, सुन तो। हां है वन, ये किट्टू बैठा है यहां पर। किट्टू तो क्या हो गया, देखो चेरी मस्त आनंद में। चेरी ए चेरी, हाय चाचा। ये और मतलब रिमझिम बारिश आ ही रही है, बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हुई, लेकिन हाँ हमारी तरफ आते ही थोड़ी सी बारिश कम हो गई थी, और चारों तरफ हरियाली हरियाली, ऐसा लगता है कि बस यही हरियाली देखते रहो, मतलब इनको देखते ही रहो, घर ही ना जाओ ऐसा लगता है। कल मैं खेत पर भी गई थी तो मेरा भी यही हाल था, और यहाँ घर आके बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, दो तीन दिन से घर बंद पड़ा था, जैसे ही खोला था तो ऐसे बदबू से आ रही थी, तो पहले पूरा घर क्लीन क्लीन किया, उसके बाद में यहाँ मैं बच्चों को कर रही हूँ रेडी, इनको दोनों को नहला दिया है गर्म पानी करके, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है, तो मैं काफ़ी दिनों से मतलब नॉर्मल पानी गर्म करके ही लेती हूँ, ठंडे पानी से तो इन दोनों को कभी नहीं नहलाती हूँ मैं, हालांकि गर्मी में तो नहलाते ही है, लेकिन अभी मौसम के हिसाब से तो हमें गर्म करना ही चाहिए, और बच्चे हैं तो बच्चे फिर तो ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं जल्दी जल्दी इसी वजह से। और भागा दौड़ी में इनको पहना दिए हैं कपड़े, चैन से तो बैठने नहीं देते हैं ये, ना बैठ के कपड़े पहनते हैं ना मुझे बैठने देते हैं। और उसके बाद में अब मैं बना रही हूँ खाना। खाना हालांकि पतिदेव जी दो तीन बार आके मांग लिए हैं, लेकिन वही है ना कि पूरा घर पहले क्लीन हो जाए उसके बाद ही खाना बनाओ ना तो जमता है, बाकी ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि तीन दिन से घर पूरा बंद पड़ा था, तो पूरे घर की क्लीन की, और उसके बाद में यह सब्जी दे दिखी, पहले अरवी अरवी की सब्ज़ी बोलते हैं इसको, आपकी तरफ शायद ये होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे तरफ होती है अरवी। तो कल परसों ही लेके मतलब दो तीन दिन पहले ही लेके आए थे, फ्रिज में रखी पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो यही बना देते हैं। हालांकि इस सब्ज़ी के लिए हमें मटर चाहिए, मटर के दाने नहीं हो तो चने के दाने या फिर टमाटर, कुछ भी ग्रेवी के लिए चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मैं इसको सिंपल तरीके से बनाऊँगी तो बहुत ही टेस्टी बनती है। कभी कभी ऐसे सोचते हैं ना अपन कि नहीं इस सब्ज़ी के साथ तो मसाले चाहिए ही चाहिए, मतलब जो भी खड़े मसाले होते हैं टमाटर वगैरह, मतलब ये वो चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है, कभी कभी नॉर्मल सब्ज़ियाँ भी अच्छी बन जाती है। तो मैंने इनको अरबी को उबाल दिया था, दो सीटी ले ली थी मैंने इनको, और उसके बाद में यहाँ मैं छिल रही हूँ इनको, मतलब ठंडे पानी से धोने के बाद इनको छिल पा रही हूँ,
और बस इनको अब काट लेती हूँ। पति देव जी वापस से आ गए कि मुझे भूख लग रही है, तो ये अरवी जो उबाली हुई अरवी है वही खा रहे हैं मसाला डाल के। अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी और ये थोड़ी चिकनी रहती है, तो जब भी इसके छिलके निकालो थोड़े से ध्यान से ही निकालने पड़ते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा चिकनी रहती है ये। और यहाँ तेल गर्म हो गया था तो बस इनको अब फ्राई करके बनाना है। जैसे ही बस तेल में फ्राई होगी हल्का सा इनको ब्राउन करना है, जैसे पहले एकदम से वाइट थी तो थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद में बस मसाला बना के इनको अरबी को छोड़ दो और जितना चाहो पानी मिला सकते हैं इसमें अपने हिसाब से, ग्रेवी कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है ये, लेकिन लगती टेस्टी है। और मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग सब्ज़ी है अरबी की, आप भले आपके इधर किसी किसी के इधर तो होती होगी तो वो तो आसानी से पहचान लेंगे, किसी के यहाँ नहीं होती होंगी तो वो कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि काय की सब्ज़ी थी कैसी क्या थी। तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट कर सकते हो, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं जवाब या रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। और इसको छोक लगाने के लिए बस वो जो अपन डेली सब्ज़ी मतलब छोक लगाते हैं, इसमें थोड़े से मैंने खड़े मसाले डाल दिए क्योंकि हमारे पास कुछ भी मतलब टमाटर मटर नहीं है, तो थोड़ा सा गर्म मसाला तो डालना बनता ही है। बाकी क्या है, अरबी की सब्ज़ी ऐसे अच्छी नहीं लगेगी शायद। तो बस यहाँ प्याज डाल दिए मैंने चोपर में किए हुए, उसके बाद लहसुन मिर्ची, और यहाँ बस सारे खड़े मसाले डाल के पानी डाल दिया है। ये मसाला हमारा भुन गया है, उसके बाद डाल देते हैं अरवी जो फ्राई करके रखी थी, और इसमें अब थोड़ा सा हम गर्म पानी करके मिला देंगे। मेरे पतिदेव जी को थोड़ी सी थिक सब्ज़ी नहीं पसंद है, उनको थोड़ा सा पानी चाहिए ही चाहिए सब्ज़ी में, बाकी सूखी सब्ज़ी उनके गले नहीं उतरती है, ऐसा ही है। और साथ ही साथ यहाँ रोटियाँ भी बन गई है दिन की, ना ये सुबह का खाना है ना दिन का खाना है, पता नहीं किस टाइम का खाना है, 3 या 3:30 बजे ही खाया था हमने खाना, क्या करे अब ऐसा ही है। खैर कोई नहीं, दिखने में ऐसी लग रही है सब्ज़ी ये, लेकिन लगी बहुत अच्छी थी बनने के बाद, बहुत टेस्टी। मैं खा के अभी दिखाती हूँ मैं आपको पति देवी जी को, खाना इतना टेस्टी लगा, खा खुआ के सो भी गए, नींद भी आई नहीं आई शायद, आ भी गई शायद, और ये बच्चे खेल रहे हैं। सब्जी तो बची भी नहीं, मैं आपको दिखाती, मैंने सोचा था कि जब मैं खाऊंगी तो मैं आपको सोचूंगी दिखाने का या फिर शूट करूंगी, लेकिन बच्चे इतने परेशान कर रहे थे कि शूट ही नहीं हो पाया। मैं दिखाती हूँ सब्जी, देखिए कुछ भी नहीं बचा है इसमें से, बस मसाला मसाला बचा है। मैं कपड़े गला रखे हैं मैंने, एक बाल्टी हाथ से धोने के और एक बाल्टी मैं डाल के आ गई थी मशीन में, तो वो हो गए होंगे वॉश, बस उनको डाल देती हूँ धूप में, धूप तो शायद